जी, मेरा नाम होशियार सिंह है, हम गांव भनकपुर के रहने वाले हैं। हमारे एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था 23 तारीख की रात को। हम उसको यहाँ एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में लेके आए। एस्कॉर्ट हॉस्पिटल वालों ने हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, हमसे पैसे जमा करा लिए, उसके सर का ऑपरेशन किया। लेकिन उसके ऑपरेशन करने के बाद भी जो लगातार है वो खून, वो सर से जो ब्लीडिंग है वो बंद नहीं हुई है, वो लगातार चलती रही है। और वो हमें मिसगाइड करते रहे हैं कि भाई आप पैसे जमा कराइए और आपका बच्चा ठीक है, ना ही तो हमको उन्होंने अपने बच्चे को देखने दिया है, ना ही कोई और बात है। लेकिन वो बार बार हमसे इसी तरह पैसों की डिमांड करते रहे। उसके बाद भी सर ठीक नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने पैर का ऑपरेशन कर दिया, हमसे 2 लाख रुपये और जमा करा लिए और हमको अब तक मिसगाइड करते रहे। और आज रात को कहते हैं कि आपके बच्चे की डेथ हो गई है। हम 5.5 लाख रुपये जमा करा चुके हैं, उसके बाद भी 3.80 हमसे और मांग रहे हैं। और वो कहते हैं कि भाई 3,80,000 रुपये और दीजिए तब आपके बच्चे की डेड बॉडी मिलेगी। सर एडमिट कब किया था? एडमिट किया था जी 23 तारीख की रात को एडमिट किया था। और उन्होंने हमें मिसगाइड किया था कि आप एडमिट कराइए और इतने पैसे जमा कराइए, 3 लाख रुपये आपके बच्चे की हम गारंटी लेते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी तक टोटल कितना आपने जमा कर? टोटल हम 4.5 लाख रुपये जमा करा चुके हैं जी, 4,75,000 रुपये। हॉस्पिटल की तरफ से जी उन्होंने हमें रात को बताया कि आपके बच्चे की जो हालत है वो बहुत ख़राब है और हम उसको अब कंट्रोल नहीं कर पाते, आप दूसरी जगह ले जाइए। उससे पहले आप मिले थे उनसे? नहीं जी, उन्होंने हमें कभी देखने नहीं दिया, सिर्फ वही कहते थे कि आपके बच्चे की तबीयत ठीक है और आप पैसों का अरेंजमेंट करिए। अलाउ क्यों नहीं किया मिलने से? वो कह रहे थे कि जरूरत ही नहीं है जी, आप क्या जानते हो इस चीज़ के बारे में। डॉक्टर का नाम क्या है? यहाँ पे जो डॉक्टर साहब देख रहे हैं, आशीष गुप्ता जी हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमारे बच्चे का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जब बच्चे का हमने एडमिट किया, इन्होंने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद इनके ऑपरेशन की कमी की वजह से बच्चे के जो दिमाग में से पस आना शुरू हो रहा है, ये खुद इस चीज़ को कहते हैं कि हमारे जब हमने ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन करने के बाद बच्चे के माइंड में से और नाक में से पस आ रहा है, उस पर की वजह से बच्चे को संभालना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से ये सब कुछ होने के बाद भी ये पैर का ऑपरेशन कर रहे हैं और बार बार हमसे पैसों की डिमांड की जाती है। सर उसको जब एक्सीडेंट हुआ तो उसको पैर में भी चोट लगी, माइंड में भी बहुत ज़्यादा चोट लगी। इन्होंने जिस टाइम हमें एडमिट किया उस टाइम इन्होंने उसके माइंड के ऑपरेशन के लिए हमें बोला और माइंड के ऑपरेशन के लिए इन्होंने जितना बोला इतना हमने पैसा इनको जमा किया। दूसरे दिन भी इन्होंने जो पैसा बोला वो पैसा हमने जमा किया। और उसके फादर की ऐसी हालत नहीं है? उसके फादर इतने पैसा करना जमा करने के बाद भी ये 11:30 का टाइम देते हैं सिर्फ खाली मिलने का, उसके अलावा ना कोई पीछे मिलने देते हैं ना कोई आगे मिलने देते हैं। उसमें भी सिर्फ देखना इतना कि आप दूर से देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना बात कर सकते हो या कुछ वैसा कर सकते हो। जितना डिमांड किया इतना डिमांड हम देते रहे। ऊपर से इतना पैसा लेने के बाद भी, इनका ऑपरेशन गलत होने के बाद भी, उसमें से पस और ब्लीडिंग होने के बाद भी, हमारे बच्चे का ऑपरेशन किस वजह से कर रहे हैं? ऐसी क्या इनको इमरजेंसी आन पड़ी थी? सर आप एक बात बताइए, आपका कोई बच्चा अगर एक्सीडेंट होता है और आप अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचते हो, आपको डॉक्टर जो जो बोलेगा आप वो करते चले जाओगे? क्योंकि आपको सिर्फ ये लगेगा कि मेरे बच्चे की कैसे भी जान बचनी चाहिए, क्योंकि ना आप खुद डॉक्टर होते हो ना हम डॉक्टरों की हमें नॉलेज होती है। हमसे जैसे डॉक्टर बोलेगा हम ऐसी तो करेंगे, लेकिन हमें यह बताया जाए कि जब हमारे बच्चे की इस तरीके से इतनी बुरी हालत थी माइंड की और इनके ऑपरेशन के बाद इनका ऑपरेशन बिगड़ चुका था और उससे पस आ रहा था, तो इनको ऐसी क्या जल्दी आन पड़ी थी जो पैर का ऑपरेशन किया जा सकता था? वो ऑपरेशन तो बच्चे का होने के होश में आने के 4 दिन बाद भी किया जा सकता था। उसमें तो हड्डी तो टूटी होगी, उसका ऑपरेशन तो 4 दिन बाद भी किया जा सकता था। जब यहाँ का ऑपरेशन आपसे खराब हो चुका है और उसकी गलत प्रोसीजर हो चुकी है, तो उसके बाद भी आप किस चीज़ का उस पैसे उसके लगे हो? ऊपर से बार बार पैसा लिया जा रहा है, ऊपर से हमसे ब्लैंक चेक लिया गया। मैं आप लोगों से पूछता हूँ वो ब्लैंक चेक किस लिए लिया गया था? क्या हम यहाँ पे लोन कराने आए थे? सर किसने डिमांड की थी ब्लैंक चेक की? यहाँ के स्टाफ ने की थी मैडम। अब हमें पर्सनली तो किसी चेहरे को जानते नहीं है। आपने दिया? बिल्कुल दिया हुआ है, वो ब्लैंक चेक इनके पास है हमारा। अब क्या बोलना चाहेंगे सर? मैम हम ये बोलना चाहेंगे जो हमारे साथ हुआ वो आगे किसी के साथ ना हो। और जो हमारे जो अस्पताल प्रशासन है वो क्या कह रहा है? सर प्रशासन तो पैसे की डिमांड कर रहा है कि हमें तो पैसा दीजिए, 3,80,000 रुपए और वो हमारी तरफ बैलेंस निकाल रहे हैं, जो कि हमने 4,64,000 पैसे उनको पहले ही जमा कर चुके हैं जितना जितना उन्होंने मांगा। अब उन्होंने 3,80,000 का और बिल बना के दे दिया है। अब आप बताइए इनके जो फादर साहब हैं वो खुद बेचारे बीमार रहते हैं, इसका बड़ा भाई है बेचारा वो भी बीमार सा रहता है, इसके फादर साहब की 200 रुपये जमा करने की वो नहीं है। पूरे गांव समाज ने पैसे उगा के अब तक इस बच्चे के पैसे जमा किए हैं, पूरे गांव के लोगों ने अभी तक पैसे उगा के जमा किए हैं। अब आप बताइए जिस इसके पिताजी की इतनी पैसे देने की ताकत नहीं है, वो बेचारा इनको 3,80,000 रुपये कहाँ से ला के देगा? वो भी तब जब इन्होंने उसके बच्चे को अपनी लापरवाही से, किस वजह से उसका वो हुआ हमें नहीं पता, लेकिन इनकी लापरवाही की वजह से वो बच्चा गया। मेरा नाम शमशेर सिंह रावत,
जनाब हमने 23 तारीख को यहाँ पे अपने भाई को एडमिट किया था, उसका एक्सीडेंट हुआ था कटेसरा के पास अमरपुर चौकी के अंदर आता है जो। 23 तारीख को उन्होंने कहा कि इसकी ब्रेन की सर्जरी करनी पड़ेगी। हमने कहा जी कोई बात नहीं, आप सर्जरी करिए। इन्होंने हमसे जो पैसे कहे हमने पैसे जमा करवाए। उसके बाद कहते हैं कि बच्चा ठीक है, मिलने नहीं दिया गया एक बार भी हमें। हमने बार बार कहा जी देखने दीजिए कि बच्चा है कैसा। बोला नहीं ठीक है, आप चिंता ना करें, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी। इसके बाद फिर इन्होंने पैसे मांगे, हमने उसके बाद भी दिए। ब्रेन में कोई आराम नहीं है किसी तरह से, बता रहे हैं फंस आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है लगातार, ये रिकवर नहीं कर पाए हैं। इतना ब्लड में इन्फेक्शन होने के बाद और ये पैर का ऑपरेशन कर देते हैं, उसके लिए भी पैसे जमा करवाते हैं। अब आप चाहते क्या? हम ये चाहते हैं साहब, हमसे जो अननेसेसरी बिल बनाया गया है हमारा, इस तरह से हम बिल नहीं पे कर पाएंगे, क्योंकि उनके फादर की हालत एक भी बिल देने की नहीं है। ये भी हमारे गांव ने पूरा जो पैसा उगाही करके दिया है। स्टाफ के द्वारा भी क्या कहा जा रहा है? स्टाफ पैसे मांग रहा है, उसके बाद डेड बॉडी देगा। हमारे पास पैसा देने के लिए नहीं है, क्योंकि इतना ही हम कर सकते थे जी। अब से पहले हम इनको 4.5 लाख रुपए दे सकते हैं, जो दिया है अब से पहले दे चुके हैं। अभी और कितने देने हैं, कितने बोल रहे हैं? नहीं, वो 380 बोल रहे हैं जी। 380, हाँ जी। बाकी अपनी हालत नहीं है मैम।